क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन एक्सप्लेनेशन। हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड गाइस लेट्स जंप इनटू द टॉपिक वेरी सून। सो इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। हमें अपनी प्रतिदिन की जिंदगी में कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे देखने को मिलते हैं, रुके हुए देखने को मिलते हैं, और बाकी ऑब्जेक्ट इधर उधर हिलते हुए या फिर चलते हुए देखने को मिलते हैं। चिड़िया हवा में उड़ती है, मछलियाँ तैरती है, खून जो है वो हमारी आर्टरीज और वेन्स में दौड़ता है, एंड कार और जो कार होती है गाड़ियाँ चलती हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज ये सब मोशन में है। जो मोशन होता है वो बेसिकली पुश और पुल होता है, जो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई होता है, और ये एक ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है, ये किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड बढ़ा सकता है, स्पीड कम कर सकता है, एंड इवन ये किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। सो बेसिकली एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। मतलब एक ऑब्जेक्ट एक आदमी हो सकता है कभी कभी कि एक ऑब्जेक्ट एक आदमी के लिए मूविंग हो और दूसरे आदमी के लिए वो रुका हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल एक बस में अंदर आदमी बैठे हैं और बाहर एक आदमी जा रहा है, तो बस जब चल रही है तो जो अंदर आदमी बैठे हैं उन्हें लगेगा कि बाहर जो आदमी खड़ा है वो मोशन में है, परंतु ऐसा नहीं है। लेकिन जो बाहर आदमी खड़ा है उसको लगेगा कि ये बस मोशन में है। सो ये जो मोशन है वो ज़्यादातर मोशन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ। कुछ ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो कुछ एक सर्कुलर पाथ में। सम में रोटेट एंड अ फ्यू अदर्स में वाइब्रेट। कुछ ऑब्जेक्ट्स रोटेट करते हैं तो कुछ वाइब्रेट। देर मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जब ये सब एक साथ कंबाइन होते हैं और वो मोशन में होते हैं ऑब्जेक्ट। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशन थ्रू सिंपल इक्वेशंस एंड ग्राफ्स। लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। एंड यहाँ पे गाइस एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 8.1। एक्टिविटी 8.1 में है डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। मतलब डिस्कस करो कि आपके क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो रेस्ट में हैं या फिर मोशन में हैं। तो इसका बेसिकली जो इसका सिंपल सा आंसर है वो होगा मोशन में। बिकॉज हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है पहले चैप्टर्स में कि कोई भी मैटर या एटम्स कभी भी रेस्ट में नहीं होते, वो हर वक्त वाइब्रेट कर रहे होते हैं। दैट्स वाई दीवार भी वाइब्रेट कर रही होती है। एंड इवन हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है वो मूव करती है, लेकिन थोड़ी मैग्नीट्यूड का जो भूकंप होता है अर्थक्वेक होता है वो हर वक्त आता रहता है, बहुत कम मैग्नीट्यूड का जिसका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वो हमें फील नहीं होता। सो यस, इसका आंसर है इन मोशन। एक्टिविटी 8.2 भी है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स एंड मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। तो गाइस इसका आंसर होगा कि यस, कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोग एक ट्रेन में होते हैं और हमारे बगल से दूसरी ट्रेन गुजरती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन मोशन में है, परंतु हमारे जो बगल से ट्रेन गुजरी है वो मोशन में होती है। तो यार अभी टॉपिक आ गया है, टॉपिक 8.1 डिस्क्राइबिंग मोशन। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन उसके एक रेफरेंस पॉइंट को स्पेसिफाई करते हुए बताते हैं। Let us understand this by an example. इसको एक example से समझेंगे हम। Let us